अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल एजाज। आप देख रहे हैं YouTube चैनल स्वैग राजपूत। तो वेलकम करते हैं आपको इस व्लॉग में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूं। तो आज करते हैं व्लॉग का आगाज दोबारा से शुरू। आप लोग सोच रहे होंगे कि बिलाल साहब कहाँ गए थे, बहुत दिन से नज़र नहीं है। बहुत दिन क्या, बहुत अच्छा हो गया बिलाल गायब हो गया, ब्लॉगिंग छोड़ चुका है या उसने ब्लॉग बनाना छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं है, ब्लॉग बनाना नहीं छोड़ रहा था, पर कुछ चीज़ें सीख रहा था, पर अभी भी सीख ही रहा हूँ। तो मैंने कहा ब्लॉग तो अपलोड करना ही करना है, क्योंकि आजकल सीज़न चल रहा है बकरा ईद का। हज का सीज़न है, आप सबको सबसे पहले जुम्मा मुबारक हो। हज का पहला जुम्मा आपको मुबारक हो, कल हज है, तो आप सबको मेरी तरफ से एडवांस हज में मुबारक हो। और अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को ये हज मुबारक करे। और आप भी अपने भाई को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमें कुर्बानी करना हम पे फ़र्ज़ है, मुसलमान है हम पे फ़र्ज़ है। तो सब ने कुर्बानी ले ली, तो आप सोच रहे होंगे कि बिलाल तो कुर्बानी लेने गया ही नहीं, ना ये कुछ ब्लॉग अपलोड कर रहा है, ना किधर आया, किधर घूमना है। मुझे बहुत से लोग मिले, कहते हैं कहाँ घूमो, ब्लॉग क्यों नहीं बनाते, ये वो। भाई मैं ब्लॉग बनाऊँगा और बनाता रहूँगा, छोड़ने वालों में से नहीं हूँ मैं कोई चीज़। मैंने आपसे पहले कहा था कि जो चीज़ शुरू हो जाओ उसको दोबारा छोड़ने वालों में से मैं नहीं हूँ, पर थोड़ा सा रेस्ट लेगा। तो अब दोबारा वापस आ चुके हैं, तो ये बकबक चलती रहेगी, ये बकबक छोड़ते हैं। और आपको बताते हैं कि हम पिछली मंडी में गए थे जो आज से कुछ दिन पहले थी, तो उसमें हमने क्या लिया क्या नहीं लिया, मंडी के क्या रेट्स थे क्या रेट नहीं थे। आप जाके पहले भाव चेक कर लें, उसके बाद हम आपको मिलते हैं। अब हम जा रहे हैं जी बकरा मंडी, और हमें व्लॉग बना रहे हैं, पता क्या बना रहे हैं ना, और हम व्लॉग बनाना शुरू हो चुके हैं। उसामा को बहुत शौक है क्या लेने का, कट्टा लेने का। मुंह देखें जी, घूंघट उठाना, घूंघट उठाना, इधर देखो ना, घूंघट उठाओ, इधर तो देखो, ये जनाब आप बकरा लेने जा रहे हैं। सर बकरा लेने जा रहे हैं, आपको मिल जाएगा कुछ चीज आज, आपको क्या लगता है आपको कुछ मिलेगा? नहीं, हमारे लेवल का नहीं मिलता। या सामा का कटा मिलेगा या फिर आपके बकरे मिलेंगे? सामा साहब का आज कटा ढूंढने जरूर निकले हम, वहाँ से सीट लोग भी निकल आए हैं और सामने फिजान लोग भी चले गए हैं, सिर्फ इसका कटा लेंगे। या भाई इसका कटा मिलेगा? हाँ आ जाए आप, चले देखते हैं आज सामा भाई का कट्टा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सामा भाई मिलेगा? मिल जाएगा, मिल जाएगा। हाँ हौसले से लेंगे, हौसले से लेंगे। पता नहीं कितने दिन होंगे हौसला ही कर रहे हो। मिलना तो होगा। 70,000 के दो, 70,000 माशाल्लाह। हाँ जी, किस तरह आए 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 आए, देखते हैं जी सामा साहब को जोड़ पसंद आती है कि नहीं। आए बेटा, आओ सामा भाई, पसंद आया? हाँ, कितने पैसे मांगते? तो आपका क्या इरादा है? ले जी कदमबाद मंडी में हम आ चुके हैं, और आप देख रहे हैं हमारी मंडी कितनी बड़ी है। और यहाँ पे फैजान से आप हो रहे हैं, आपस में मशवरा कर रहे हैं कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं। अभी तक इन्होंने सोचा ही नहीं है कि इन्होंने लेना क्या है, हमारा तो पक्का है पर इनका भी पता नहीं है इन्होंने लेना क्या है। सोच रहे हैं, उसामा का मूड है कटा लेने में और उन दोनों का मूड है बकरा लेने में। अब देखते हैं क्या होता है। फैजान साहब छतरे लेना पसंद कर रहे हैं और ये कटा लेना पसंद कर रहे हैं। बड़ी मंडी आपकी कैदाबाद की, और आपको पता है आज मंडी में जानवर ज्यादा है और गाह कम है। और मॉल देख, टाइम हो गया ना? नहीं भाई, जानवर बहुत है और गाह बहुत कम है। इस दफा इन्होंने रेट ही ऐसे मांगे हैं, डबल प्राइस यार, डबल प्राइसेस चल रही है। और ये ओ नस्ल पढ़ाई जा रही है आगे। नहीं नहीं, ये नस्ल वो काम खराब कर रहा था। और एटलीस्ट हम कुछ साथ पहुंच गए, चल चल कर हमारी मत बच गई है। कुछ हालात ऐसे हैं हमारे, शायद आपको नजर आए क्योंकि पीछे धूप है, और ये हालात। हाँ बकरा को पसंद आया? हाँ बेचना ला, खरीदना ला,
वाला मौसम आज होना ना। ओए ओए मैं मंडी में कभी जिंदगी में ना देखा हवा चली ना। मस्जिद थी मेरे वो सामने शिफ्ट हो। हाँ वो सामने हो। मंडी आपके सामने है, कितनी खूबसूरत और कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ये बकरा मेरे बीच में आके लगा है और हर बार हम इनसे बकरे लेते हैं और ये बकरे बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत से हैं। आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे बकरे हैं और अब बकरे लेते हैं यहाँ से और चलते हैं। सामने का फेवरेट बकरा सौ पसंद है। अच्छा अम्मा भाई 110,000 का पसंद आया। हाँ यार महंगाई हुई है मान के लेकिन इतनी भी नहीं हुई। खूबसूरत जानवर यहाँ पे बहुत है लेकिन मंडी बहुत हाई है। हाँ जी मंडी हाई जा रही है गर्मी के मारे हुए। यार कितना था खाना पीना भी यहाँ पे फुल है और पानी शानी भी फुल है और गर्मी इधर इतनी शदीद है। और ये पुठे पंगे ले रहा है डंगा दे रहा था डंगा है गर्मी हाय गर्मी। और ये बकरे भी बेचने आए हैं छतरे बकरे नहीं है छतरे। हाँ जहाँ पे इनका रेट लगवा दे। नहीं भाई कौन से बाहर 2200 कुर्बानी करनी है खाना पीना। यार मेरे लिहाज से यहाँ पर ना लोग भाई यहाँ पर अब बकरा ज्यादा है और गाँव है ही नहीं, नहीं, नहीं है भाई बहुत महंगा है। ओ यार मैं बताऊँ अभी हम पीछे से जानवर देख के आए लोग गुलाब ला के दे रहे हैं कि यार इधर मैं देता हूँ इधर मैं देता हूँ। यहाँ पर महंगाई बहुत ही। पिछली दफा था कि गाहक कस्टमर था मतलब जो गाहक था मंडी में वो ढूंढता था गाहक की वो ज्यादा थी तादाद। इस दफा बेचने वाले की तादाद ज्यादा और लेने वाले की थोड़ी। हाँ यहाँ पर अब लेने वाला तादाद बहुत ही थोड़ी और यहाँ पर ऐसे ऐसे रेट मांग रहे हैं जो फिर हम मांगे बताएं कहेंगे हम बताएं कहें सुनाए हमारी फोन से बात। और हमारी शक्लें आप देख रहे होंगे कितनी प्यारी हो चुकी है इतनी खूबसूरत लग रही है। कट्टा लेने आया था ये खुद कट्टा बन चुका है। हाँ भाई कट्टा भाई वो कट्टा पसंद आया था आपको तेरे से भी ज़्यादा पैसे मांग। हाँ तेरे से भी ज़्यादा पैसे यार कट्टा तो तू है ले जी थक हार के आप सोचते हैं कि घर कहाँ जाना है उधर ही दुकान पे। या भाई आप ये सोचो कि घर कहाँ जाना है कितने रेट हैं क्या करें कितने रेट हैं भाई। पिछली बार आपने 60,000 कर लिया लाख लाख मांग रहे हैं आप बाल सैल सीधे करके बाल कितने पैसे मांग रहे हैं। 1,00,000 10,00,000 1,00,000 एक लाख 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 दादा बहुत बहुत पैसे मांग रहे हैं। सीप को समझ नहीं आया सीप ने अपने पैसे निकाल रहे अपने पैसे चलाते ना असीब साहब यार 50,000 अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो मत करो रहन लो रहन लो बहुत बुरे लग रहे हो तौबा 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 थारा मूड खराब कर। हाय लड़की क्या हाल है क्या कर रही हो कहाँ से आई हो कहाँ से आई हो। ये दो औरतें हमारे पास आई हुई हैं यहाँ पता नहीं क्या कर रही हैं। हाय साहब क्या कर रही हैं यहाँ पर। तो हमें उसामा का कट्टा नहीं मिला कट्टा नहीं मिला हमें उसामा को उस दिन क्योंकि कट्टे के रेट इतने हाई थे कि आपकी सोच है और बकरे के रेट उससे भी हाई जो बकरा हमने पिछली ईद पे लिया था उससे डबल रेट थे। यानी कि हमने पिछली बार 60,000 का बकरा लिया था वो इस बार 1,20,000 का था। तो हमने बकरे को हाथ लगाया मैंने कहा वाह क्या रेट है और कट्टे को हाथ लगाया तो वो भी डबल जो 80 का हमने कटा लिया था वो 110,000 का 1,50,000 का 1,60,000 का। हमने कहा इस बार लगता है कुर्बानी गैस साड़ी कुर्बानी नहीं होती हिस्से पहन गए हिस्से पर हमने हिम्मत नहीं आ रही हमने कहा ये मंडी जो है वो नीचे गिरेगी। तो उस दिन गर्मी बहुत शिद्दत की थी
हमने कहा छोड़ो बंडी को, चलते हैं घर पे, जो हमारे नसीब में होगा हमें मिल जाएगा। तो उस दिन आके मैं सो गया था, तो ब्लॉग अपलोड नहीं किया क्योंकि बना ही आता था, ना कुछ था ना कुछ देना था। तो मैंने कहा अपलोड अभी नहीं करते, बाद में करेंगे। तो उसके बाद दोबारा कल मंडी पे हसीब और पापा चले गए, क्योंकि गर्मी कल भी इतनी शिद्दत की थी। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, आप लोग चले जाएँ, जो पसंद आए ले आए। तो अल्लाह ताला का करना वो हुआ, जो पिछली मंडी पे मुझे बकरा पसंद था वही बकरा पापा ले आए, और वो बकरा हमें काफ़ी सस्ता पड़ा। अगर हम उस दिन लेते हमें काफ़ी महंगा पड़ना था। तो वो बकरा बेका कौन ही था, क्योंकि वहाँ भी खड़ा था, क्योंकि उसका रेट 1,10,000 था। कौन पागल बकरे का रेट 1,10,000 बनेगा, बंदा कोई अच्छी सी गाय ले लेता है। तो हम लोगों ने थोड़ा वेट किया और हमें ठीक जानवर मिल गया, और चाचू लोगों को भी और सामा लोगों को भी कट्टा मिल गया। हमने बकरा लिया, बकरा आपको दिखाते हैं, चलें बकरा दिखाते हैं। मोहल्ले के बच्चे हमारा बकरा लेके भाग चुके हैं, उधर उस्मान साहब साथ ही हैं, और ये बाजी ख्याल साहब बकरा लेके आ रहे हैं। ये उस्मान साथ ही खड़ा आपके सामने देख सकते हैं। हाँ उस्मान भाई, किधर लेके फिर रहे हो उसको? अच्छा जी, ये लिया, आपको बता रहा था 1,10,000 का, माशाल्लाह अब कम मिला हमें, बताऊंगा नहीं कितने का मिला। बाजी ख्याल क्या हाल है? ठीक है। क्या कर रहे? घास खा रहे। घास खा रहे, वो करी जो कर रहा था कि पीछे कर ना, पीछे कर, पीछे कर, रंट वाली है, पीछे ले आ, मीटर लगा हुआ इस पर। आराम से, आराम से, आराम ना, आराम ना। बड़ा आपको जान रही है। ये देखिए, ये हमारे मोहल्ले के दो बकरे और हैं, और ये हमारे मोहल्ले का चोट है। भजन क्या हाल है? ठीक हो? ये कुछ दिन से बीमार था, अब ठीक हो? हाँ, हवा अच्छी जा रही है, कुछ दिन से बहुत गर्मी हो गई है यार। हाँ जी, हाँ भाई, इग्नोर द गन, इधर तो बड़ा बकरा ही है। बीमार शख्स बकरा। हाँ भाई कैसे? हेलो, हो गई सारी होती है इसको, ये देख गुदगुदारी। ले जी, तो फिर मेरे दोस्त आ गए, दोस्तों के पास 5-10 मिनट दिए, फिर उसके बाद खासियत करवाना था वो करवाया, और बाल शाल थोड़े से कटवाए, तो फिर घर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और मेरे कम बैक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपको मेरा बकरा अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आप बताना कि आपको कितने का लगता है ये बकरा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।